हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये 6 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे, बहुत सुंदर है। आज मैंने इसकी चोली अलग से बनाई है। अब हम इसमें डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसी में एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा इस तरह से जुड़ जाएगा। एक चैन बनाएंगे, एक दो छोड़ के तीसरी वाली में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे दो हो गए। अब इसमें दो चैन बनाएंगे, फिर से हम इसी चैन में दो बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए इस तरह से। फिर से हम एक चैन बनाएंगे, दो चैन छोड़ के इस तरह से, एक दो चैन छोड़ के यहाँ पे हम तीसरी वाली चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम एक चैन बनाएंगे, फिर से हम एक दो छोड़ के तीसरी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन, फिर से इसी में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चैन बनाएंगे, एक दो छोड़ के तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन, फिर से हम एक दो छोड़ेंगे तीसरी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारे दो हो गए। इसी में दो चैन बनाएंगे, इसी तरह अपना राउंड कंप्लीट कर लेते हैं हम। यहाँ पर मेरी तीन चैन बची थी, तीन चैन छोड़ने के बाद सिंगल क्रोशिया जहाँ बनी थी वहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। यहाँ बीच में मैंने दो चैन छोड़ी हैं और यहाँ पे मैंने तीन चैन छोड़ी। आप भी इसी तरह ज़्यादा कम एडजस्ट कर सकती हैं। अब मैं यहाँ पे रेड कलर लगाऊंगी। अब हम रेड कलर यहाँ से लगाएंगे, या बीच में डबल क्रोशिया के बीच में जो दो चैन बनाई थी उसमें। अब यहाँ पे एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक दो चैन बनाई, इसी चैन में 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारे दो हो गए, तीन, चार, पांच, ये 6 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पे मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाई थी, पहली वाली डबल क्रोशिया में से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये दो डबल क्रोशिया हो गए हमारे और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम मैंने यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाई थी, पहली वाली डबल क्रोशिया में से हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाली में। हमारे एक डबल क्रोशिया, दो, और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे इस तरह से। अब हम यहाँ पे दो चैन बनाई थी, ऊपर वाली में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे हम इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक चैन बनाई, एक चैन बनाने के बाद 6 चैन और बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और 6 चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे सिंगल जो क्रोशिया बनाई थी इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, दो हो गई हमारी, ये दो,
ये तीन चैन हो गए। फिर से हम यहाँ पे दो की चैन बनाई थी, इसमें इस वाले होल में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे दो चैन बनाएंगे, एक, ये दो चैन हो गई हमारी। अब इसी चैन में हमें छह डबल क्रोशिया और बनाने हैं। एक हो गया हमारा, दो डबल क्रोशिया, तीन, चार, पांच और हमारी ये छह डबल क्रोशिया हो गए। तो हम क्या करेंगे, ये दो डबल क्रोशिया हैं, पहली वाली डबल क्रोशिया में से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गई हमारी, यहाँ पे मेरी तीन डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम अपनी ड्रेस घुमाएंगे, यहाँ पे मेरे दो डबल क्रोशिया हैं पहली वाली में से, फिर से हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया हमारा, दो, तीन डबल क्रोशिया, यहाँ पे दो चैन बनाई थी इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। अब हम एक चैन बनाएंगे, फिर से छह चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच और ये हमारी छह चैन हो गई, छह। अब हम यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया बनाई थी ये वाली, इसी में हम इसी के ऊपर ही बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हम यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे, एक, दो, ये तीन चैन। अब यहाँ पर दो चैन है इस वाली में, सिंगल क्रोशिया से हम इस तरह जोड़ते हैं। यहाँ पर फिर से हम दो चैन बनाएंगे, इसी में छह बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन इधर बनाएंगे, तीन इधर बनाएंगे। इसी तरह हमारा फूल बन के तैयार हो जाएगा। आप भी इसी तरह से बना, मैं अपना राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, मैंने सिक्स चैन बनाई। अब हम यहाँ पर तीन चैन और बनाएंगे, एक, दो, ये तीन चैन। तीन चैन बनाने के बाद यहाँ पर हम सी होल में से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। और अब हम इसे कट कर देंगे और ग्रीन कलर लगाएंगे। अब हम इसमें ग्रीन कलर लगाएंगे इस तरह से, इसे टाइट कर लेंगे। इसी में हम एक बार और स्लिप स्टिच से, सॉरी, सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से, इस तरह से। अब हम ये यहाँ पे जो सिक्स चैन बनाई थी, इस वाले चैन में आठ बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गई हमारी, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और ये हमारी आठ डबल क्रोशिया हो गई इस तरह से। अब यहाँ पे जो थ्री की चैन बनाई थी, इसमें सिंगल क्रोशिया से इसे हम जोड़ देंगे। फिर से ये चैन बनाई थी सिक्स, इस वाली में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया हमारा, दो, तीन, चार, पांच, छः और ये हमारे सात डबल क्रोशिया, ये हमारे आठ डबल क्रोशिया हो गए।
फिर से हम यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे फिर से आठवां डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसे हटाएंगे। इस तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, यह मैंने सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया है ये। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से सी में। अब हम इसको कट कर लेंगे और इस वाले को इस तरह से हम जोड़ लेंगे। यहीं पे हम थ्री चैन बनाएंगे, दो तीन चैन हो गई हम। अब इस वाली में हम इस वाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम तीन चैन बनाएंगे और ये वाली डबल क्रोशिया बनाई थी इसके बीच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम तीन चैन बनाएंगे, ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से तीन चैन बनाएंगे और यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे। सभी में से हम सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये तीन चैन हो गई। अब यहीं पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से तीन चैन बनाएंगे, इस तरह हम जोड़ते जाएंगे। इस तरह से आउटलाइन करेंगे हम, तीन हो गई हमारी। हम यहाँ पर इसे जोड़ देंगे, फिर से तीन चैन बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, फिर तीन चैन बनाएंगे। जो हमारी सिंगल क्रोशिया है इसमें इस तरह से जोड़ देंगे हम। फिर से हम दो चैन बनाएंगे, सॉरी, फिर से हम इस वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से तीन चैन बनाएंगे, तीन चैन हो गई। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम तीन चैन बनाएंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चैन डबल क्रोशिया में जोड़ देंगे। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। एक दो तीन, फिर से दिखाती हूँ आपको, ये हो गए हमारे। फिर से हम तीन चैन बनाएंगे, तीन चैन हो गई हमारी। फिर से हम एक, ये हम लास्ट में आ गए। फिर से अब हम यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे, तो तीन चैन हो गई हमारी। अब यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया बनाई थी इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर से हम तीन चैन बनाएंगे, तीन चैन हो गई। वहाँ पर जो डबल क्रोशिया बनाई थी उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम तीन चैन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन आगे वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर से हम तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम एक दो तीन। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया बनाई थी इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। मैंने तीन चैन बनाई पहले, अब हम यहाँ पर पहली वाली में
इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। एक चेन बनाएंगे, अब हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गई। ये हमारी बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है, इसे आप किसी भी नंबर में बना सकती हैं। इस तरह से मेरी ड्रेस बनके कंप्लीट हो गई है।